एसपीसी के प्रभारी सीओ अजय कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में जनपद के विद्यालय के अध्यापक व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में एसपीसी के प्रभारी सीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के बेसिक व माध्यमिक विद्यालय में स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसकी समीक्षा की गई है। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि स्कूल के बच्चों को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने व समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं उससे अवगत करवाया जा रहा है। हर महीने अलग अलग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। इसके अलावा बच्चों को वैल्यू स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया गया है। हर विद्यालय में एक नोडल अधिकारी, हर थाने से एक SI रैंक का एक नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो कि विद्यालय में जाकर बच्चों को जागरूक करते हैं। SPC एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको केंद्र सरकार ने 2018 में लागू किया था, जिसमें स्कूल के बच्चों को उनके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है कि समाज में जो बुराइयां हैं उसको किस तरह से दूर करेंगे, जिससे इन बच्चों को यातायात नियंत्रण, आपदा में, महामारी में या कोई अपराध में, नशा मुक्ति में उपयोग में लाया जा सके और दूसरों को जागरूक करवाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPC के नोडल अधिकारी CO अजय सिंह ने कहा, उत्साह के साथ इसीलिए बच्चों के लिए एक बेसिक जानकारी देने के उद्देश्य से ये आप लोगों को दिखाया गया, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें नए हैं, अभी उनको आइडिया नहीं है। तो कुछ आपको आइडिया हुआ होगा कि ये कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या है और ये क्यों चलाया जा रहा है। तो ये क्लियर आप लोगों को हो गया होगा कि ये बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में चलाया जाना है, जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें चलाया जाना है, कक्षा 8 और कक्षा 9 के बच्चों को इसमें चिन्हित किया जाना है, उनको स्टूडेंट पुलिस कैडेट के रूप में हम लोग चयनित करेंगे और उनको ये सब जो शिक्षा हम लोगों को देनी है एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, वो सब हम लोग देंगे। उनको शिक्षा कैसे दी जाएगी इसका एक प्रिस्क्राइब जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, प्रत्येक महीने का टॉपिक फिक्स है, उसको हम लोग इनडोर भी कराएंगे और आउटडोर भी ले जा करके बाहर उनको जैसे था यातायात नियंत्रण में करना है, वृद्धावस्था में ले जाना है, वृद्धाश्रम वगैरह जहाँ पे वो भ्रमण कराना है, इसीलिए आपदा प्रबंधन का टॉपिक है, तो कहीं कोई ऐसी दैवीय आपदा या मानव जनित आपदा कोई आती है तो उसको कैसे हम लोग दूर करेंगे, फायर ब्रिगेड वगैरह होता है, NDRF SDRF जो टीमें होती हैं वो क्या काम करती हैं, उनके कहाँ पर हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पर ले जा कर उनको भ्रमण कराना है, तो आउटडोर एक्टिविटी में ये सब काम आते हैं, जिससे उनका एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो और वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। हम लोग समाज और पुलिस के बीच में एक वो ब्रिज का काम, सेतु का काम करेंगे कि जो हमारे बारे में वो बेहतर जानेंगे, सच्चाई क्या है, पुलिस की वर्किंग क्या है, पुलिस का काम क्या है, वो समाज को बताएंगे। ये स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम एक बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में, राजकीय विद्यालय जो हैं उनमें संचालित किया जा रहा है, उसी की आज एक मीटिंग थी जिसमें विद्यालय के प्राचार्य और विद्यालय के नोडल अध्यापक और जो संबंधित थाने हैं उनके नोडल पुलिस उपनिरीक्षक जो हैं उनको आज यहाँ पे एक मासिक जो गोष्ठी होती उसमें बुलाया गया था, और इसमें हम लोग जो है बच्चों
को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने और समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में अवगत कराने हेतु जो है एक कार्यक्रम का संचालन होता है। तो महीने भर में हमने क्या कार्यक्रम किया, प्रत्येक माह का एक टॉपिक होता है, उस पर हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं कि क्या कितने उसमें इंडोर कक्षाएं चली, कितने आउटडोर कक्षाएं चली हैं और नेक्स्ट माह हमारा क्या जो है टॉपिक है, उसमें हमको कैसे इसको अच्छे तरीके से संचालित करना है, इसीलिए आज ये गोष्ठी बुलाई गई। किस तरह से ये लोग विद्यालय में जाके लोगों को बच्चों को इन लोगों को एक जैसे मैंने बताया प्रत्येक माह का एक निर्धारित टॉपिक है। जैसे इस माह का एक टॉपिक था कि आचार विचार इथिक्स वैल्यूज़, ये माह नवंबर का था। स्वच्छ भारत अभियान भी इसी माह का एक कार्यक्रम था। इस टॉपिक पर उनको इंडोर कक्षाएं चला करके इसके बारे में उनको जागरूक किया जाता है तथा बाहर ले जा करके वो उनसे संबंधित जो स्थल हैं उनका भ्रमण कराया जाता है तथा प्रैक्टिकली उनको जो है ये कार्यक्रम कैसे करना है इसके बारे में उनको अवगत कराया जाता है। तो ये सभी लोग जाएंगे अपने विद्यालयों में, वहाँ पे प्रत्येक शनिवार को इनका कक्षाएं जो है संचालित करेंगे उन बच्चों की और फिर बाहर ले जा करके उनको इसके बारे में अवगत कराएंगे। प्रोग्राम ये बेसिकली 2018 में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है और उनके व्यक्तित्व का विकास करना है, उनको ये अवगत कराना है कि समाज में क्या क्या बुराइयां हैं और उनको हम कैसे दूर करेंगे तथा वो पुलिस और समाज के बीच एक सेतु का काम कैसे करेंगे, इसके बारे में पुलिस द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया जाता है। तो हमारे एक सहयोगी के रूप में, मित्र के रूप में हम उनको विकसित कर रहे हैं कि जैसे वो कोई आपदा पड़ने पर, यातायात नियंत्रण में, कोई महामारी फैलने पर या कोई अपराध होने में, नशा मुक्ति में और दहेज जो कि कुप्रथा है, वो सामाजिक जो बुराइयां हैं उन सबको दूर करने में ये हमारा सहयोग करें और वो जब जागरूक होंगे उनको पता रहेगा तो स्वयं भी ये सब बुराइयों से दूर रहेंगे तथा दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो इन सब बुराइयों से दूर रहें।